हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं अंजलि और ब्लॉगर अंजलि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूं ब्रोकली की एक रेसिपी। तो ये मैंने एक फुल ब्रोकली का ले लिया है और इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए इसके फ्लावर्स को, और दो तीन गाजर लेनी है, उसको भी कट कर लिया है धो के। तो ब्रोकली का टेस्ट थोड़ा सा बिटर की तरफ आ जाता है हल्का सा, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं इसमें दो गाजर डाल रही हूँ। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मैंने ब्रोकली को कट कर लिया है, दो तीन बार अच्छे से पानी से धो दिया है। और उसके बाद बस आ जाइए कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आपका सरसों का तेल डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऐसे पटी दिया हींग, और 1 चम्मच 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल के इन सबको जलने नहीं देना है। फटाफट से हमने इसमें गाजर डाल दी है और ब्रोकली डाल दिया, तो इन दोनों को अच्छे से डाल के और बस फटाफट से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया, और ये डाल दिया है मैंने इसमें किचन किंग 1 चम्मच। किचन किंग मसाले से क्या है, सब्जियों में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और बहुत ही यमी हो जाती है। बस इसको इतना पकाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये जो है ब्रोकली अच्छे से गल जाए। और बिल्कुल सेम गैस पे 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप चेक करोगे, देखिए इस तरीके से ना ये गल जाएगी। बस इतना ही हमें इसे पकाना है कि बस ये गल जाए, ठीक है? और जब गल जाए तो बस थोड़ा सा इसे भूनेंगे और रेडी है ये खाने के लिए। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।